लेकिन एक सबसे बावन जितायु, ठाकुर जितायु, बनिया जितायु, सबके जितायु बाबा ना जाई कौन है जरूर पता जाई एक व्यक्ति सप्ताह में रहिए। बहुत लोग जीत के गए, काफी मार है। चुनाव चिन्ह जग हुए माता जी, रामचंद्र सोरी नेपाल में सांसद उम्मीदवार का चुनाव जोरों शोरों पे चल रहा है। कपिल बस क्षेत्र नंबर 3 बहुजन शक्ति पार्टी के उम्मीदवार रामचंद्र कोरी को भारी जन समर्थन आम जनमानस का मिल रहा है और दर्जनों गांव में घूम घूम करके लोगों से वोट मांगने का रामचंद्र कोरी कर रहे हैं। लोगों का जनसैलाब उमड़ कर और बहुजन शक्ति पार्टी के चुनाव निशान जग पर वोट देने के लिए रामचंद्र कोरी अपील कर रहे हैं, जिससे ग्रामीण आम जनमानस में काफी बदलाव की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब की बार चुनाव निशान जग पर वोट दिया जाएगा। वहीं बूढ़े बुजुर्गों का पैर छू करके रामचंद्र कोरी आशीर्वाद ले रहे हैं कि अब 2022 में चुनाव निशान जग और बहुजन शक्ति पार्टी को मजबूत कीजिए और हमको पार्लियामेंट में भेजिए, जिससे कि हम आप लोगों की आवाज उठा सकें। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और आम जनमानस की जो भी समस्या है उसको हम समाधान कर सकें। तो क्षेत्र नंबर 3 में लगभग 400 गांव हैं और बहुजन शक्ति पार्टी के जो कैडर बहुजन और दलित की वोट है 29,613 मत है। ऐसे में रामचंद्र कोरी का कहना है कि हमारा लड़ाई किसी और से नहीं है, अगर बहुजन समाज एक हो करके बहुजन शक्ति पार्टी को वोट दिया तो हमारी जीत तय है। स्पेशल डेस्क समाचार भारत के लिए। लोकसभा चुनाव का अब सिलसिला जल्द से जल्द थमने वाला है, जो कि 20 तारीख और 4 घंटे को चुनाव प्रक्रिया बंद हो जाएगा और वोटिंग भी हो जाएगा इतवार को। इस वक्त हमारे साथ क्षेत्र नंबर 3 के प्रत्याशी रामचंद्र कोरी ने, ये बताइए क्या स्थिति है आप लोगों का? अच्छी स्थिति है सर, हमारे लोग बहुत ज़्यादा जागरूक हो गए हैं, बहुत ज़्यादा जागरूक हो चुके हैं। अब ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, ये जग था उनको एकदम पता चल चुका है। ये हमारी बहुजनों का ही कल्याण करने वाला पार्टी, जो बहुजन शक्ति पार्टी है, ये जग भी उनका निशान है और काफ़ी समर्थन हमें मिल रहा है। जब हम अभी गाँव में जनसंपर्क में जाते हैं तो हमारे लोग जितने हैं, और ये मान के चलिए कि अन्य जाति के लोग, सभी लोग हमारा समर्थन कर रहे हैं। क्षेत्र नंबर 3 में लगभग 400 गाँव, क्या स्थिति है? 400 गांवों का भ्रमण आप लोगों ने किया है, क्या स्थिति है? वैसे हमें लग रहा है सर, 400 गांवों में जहां हम पहुंचे हैं, मुझे एकदम संतोषजनक स्थिति दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा समर्थन हमें मिल रहा है। कितना वोट है आप? अब टोटल हमारा देखा जाए तो 1,15,000 टोटल वोट है यहाँ का, जिसमें से हमारे दलितों का वोट 29,613 मत। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना भी उसमें जितना परसेंट वोट पड़ता है उसका मुझे लग रहा है कि कमती में 15,000 से 16,000 मत हमारे लोग हमको देंगे। किससे लड़ाई है आप किसको अपना सम्मान, आप किससे लड़ाई है आप? अब देखिए, अगर ये देखा जाए तो लड़ाई दूर दूर तक देखा जाए तो मेरा लड़ाई किसी के साथ नहीं है, मेरा अपना लड़ाई है सर। जितने लोग हैं लड़ने वाले सब हम ही से घबराए हुए हैं कि अगर बहुजनों का वोट इनको मिलता है तो वही लोग धराशायी होंगे। ये चीज है सर, हमें हमारा लड़ाई किसी दूसरे से नहीं है, मैं स्वयं ये चुनाव लड़ रहा हूँ क्योंकि बहुजन समाज पूरा हमारे साथ है। तो ये बहुजन समाज की जो बहुजन शक्ति पार्टी है, ये कंसेप्ट कहाँ से आया? जो माननीय काशीराम साहब का था या बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जो मिशन था, क्या उसी मिशन को लेकर के आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ? जी देखिए, हमारे लोगों का कोई मिशन नहीं है, हमारे महापुरुषों ने भगवान बुद्ध से लेकर के ज्योतिबा राव फूले से लेकर के साथ ही बाबा साहब बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उनके बाद में माननीय काशीराम साहब से लेकर के नेपाल में उन्हीं का विचारधारा, क्योंकि हम दलित शोषित पीड़ित लोग हैं तो हमारे पास कोई नया विजन बनाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे महापुरुषों ने इतना विजन बना दिया है, हमें बस उस पर चलना है और चल करके समता, स्वतंत्रता, न्याय, प्रज्ञा और भाईचारा, रोजगार, शिक्षा, ये सारी चीज़ों हमको यहाँ पे लागू करना है
हमारे हमारे पास जो विजन है हमारा वो पहले से हमारे महापुरुष लोगों ने हमको दे चुके हैं। कल से चुनाव प्रक्रिया बंद हो जाएगा, झंडा बैनर उतर जाएगा, इतवार और वोटिंग है, क्या स्थिति है वोटिंग को लेकर के आप लोग किस तरीके से एजेंट और क्या? देखिए सर, हर बूथ पर हमारे लोग रहेंगे और झंडा बैनर जब तक जो आचार संहिता है नेपाल सरकार की तरफ से, हम लोग आचार संहिता का पूरा पालन करेंगे और जो जब तक की अनुमति मिली है तब तक हम प्रचार प्रसार करेंगे। उसके बाद में जैसा आचार संहिता लागू हुआ है पूरी आचार संहिता के साथ हम लोग चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे और हर बूथ पे हमारे लोग हैं, पूरी निगरानी रखेंगे, कहीं किसी प्रकार का धांधली वगैरह नहीं कोई कर सकता है। सर, चुनाव जीतते हैं तो पहली प्राथमिकता क्या रहेगा? देखिए सर, अगर हम चुनाव जीतते हैं तो पहली प्राथमिकता जो हम यहाँ पे बदहाली जिंदगी जो लोग जी रहे हैं, शासन के तरफ से जो भी इनके जीवन में चढ़ाव उतार की जो बातें आई थी, जैसे रास्ता खराब है या शिक्षा खराब है, यहाँ की जो हमारे लोगों के समाज में बहुत विकृतियाँ फैली हुई है, सबसे पहले मैं इस पर प्रकाश डालूंगा, सबसे पहले मैं इसी पर काम करूंगा। तो क्या अभी तक जितने भी सांसद यहाँ हुए कुछ विकास का काम किया, आपको क्या लग रहा है? देखिए सर, अगर ये देखा जाए तो जनता को खुद पता है यहाँ का कितना विकास हुआ है। इतने सालों तक वो लोग शासन में रहे लेकिन आज तक अगर जाए, हम 400 गांव तक दौरा कर रहे हैं, हम देखते हैं वहाँ पे कि रोड का वही हाल है, शिक्षा का वही हाल है और ये सबसे बड़ी जो है यहाँ की बदहाली शिक्षा और स्वास्थ्य पर है सर। कोई काम नहीं हुआ है मेरे हिसाब से, क्योंकि जनता भी कह रही है लेकिन कहीं ना कहीं उनके समझ में नहीं आ पाता है किस तरीके से विकास करना चाहिए। यदि हम जाते हैं शासन में तो विकास उनको पता चल जाएगा विकास कैसा होता है। तो क्या अब बदलाव की उम्मीद दिख रही है? है सर, बहुत उम्मीद है बदलाव का, बहुत ज्यादा उम्मीद है बदलाव का, क्योंकि जनता अब उस अवस्था में नहीं है, अब पढ़े लिखे हो गए हैं और हम लोग जन जन तक अपनी विचारधारा लेके जा रहे हैं, इसलिए अब जनता पहले की अवस्था में नहीं है, अब ज्यादा बदलाव होने की संभावना है। तो देख सकते हैं क्षेत्र नंबर 3 के ये सांसद उम्मीदवार हैं जिनका रामचंद्र कोरी, जिनका साफ कहना कि यहाँ पे शिक्षा स्वास्थ्य सड़क की बदहाली है और बदलाव इस चुनाव में जरूर होगा और अगर हमको जनता ने यहाँ से चुन करके भेजता है तो पहली प्राथमिकता शिक्षा स्वास्थ्य सड़क होगा और जो भी यहाँ की समस्याएं वो मेरी समस्या। अब कल से आचार संहिता का है, कल से एक प्रचार प्रसार का जो झंडा बैनर है ये बंद हो जाएगा और संडे को 20 तारीख और 4 गति को यहाँ पे वोटिंग है। अब जब ये मत डाला जाएगा तो सबकी किस्मत का फैसला उस बॉक्स में बंद हो जाएगा और जब बॉक्स खुलेगा तब पता चलेगा कि कौन चुनाव जीत रहा है और कौन चुनाव हार रहा है। मिथिलेश कुमार, समाचार भारत, क्षेत्र नंबर 3, कपिलवस्तु नेपाल।